पिपरौली ब्लॉक में विभिन्न स्कूलों में माध्यान्ह भोजन न बनने पर जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने एबीएसए पिपरौली के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कलानी बुजुर्ग गांव पहुंचने पर उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया। यहां 4 टीचर 15 छात्र छात्राओं को पढ़ाते मिले। प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर 7 बच्चों को पढ़ा रही थी। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2 टीचर 8 छात्र छात्राओं को पढ़ाते मिले। प्राइमरी स्कूल में 80 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 72 बच्चे पंजीकृत हैं। जिलाधिकारी द्वारा पूछताछ किए जाने पर टीचर ने बताया कि 25 अप्रैल से मध्याह्न भोजन बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। कोटेदार राम समूज ने बताया कि पिछले 2 माह से मिड डे मील का चावल नहीं आया है। ग्राम प्रधान भी समुचित जवाब नहीं दे पाए। टीचर ने बताया कि 20 मई तक स्कूल खुलेगा और एबीएसए ने कहा कि नए सत्र में ही माध्यान्ह भोजन बनेगा। टीचर ने बताया कि वो अपने पास से केला समोसा खिला रही हैं। माध्यान्ह भोजन ना बनने से छात्र छात्राएं स्कूल नहीं आ रहे हैं। राजस्व ग्राम के प्राथमिक विद्यालय परसही में तैनात शिक्षा मित्र वंदना उपाध्याय ने स्कूल में उपस्थित सभी 26 बच्चों को खिचड़ी खिलाया। यहां कुल 82 में से 26 बच्चे उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कोटेदार राम समूज को कोटा की दुकान चेक किया तो उसके एक झोपड़ी में खाद्यान्न रखा हुआ पाया गया। पानी से बचाव के लिए ऊपर पॉलिथीन डाल रखा था। डीएम ने पूरे प्रकरण की जांच सीआरओ बलराम सिंह को सौंपा है। कल्याणी बुजुर्ग में जो श्रावस्ती के अंदर कितने शिकायत निस्तारण के लिए लिए शिकायत तो जो आती थी जली आती थी शायद करके वो एग्जैक्ट तो इसमें आज क्या क्या काम निपटाने के लिए आए हो? आज सर ये तीन खेल है, ये जहाँ बाइक सारी खड़ी है ये चक्रोट जा रही है तो मिला लिया। और एक सर यहाँ से चक्रोट है ये वही इधर इसके बगल से चक्रोट ये चक्रोड़ अभी है मौजूद है सर? मौजूद नहीं है, मेड़ा है उसको हमने देख लिया है। वहाँ पे हम सर उसका नफा लेते हैं। चलो अब उसके बाद से कौन सी ये रोड अभी क्लियर करना है? ये रोड तो सर बनी हुई है, अभी कौन सी रोड क्लियर करना है? अभी हम लोग सर इस रोड पे हम रोड क्लियर, ये ऑलरेडी बनी हुई है। हम ये चक्रोड़ क्लियर कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक हम क्लियर कर लिए हैं। ये है अपनी जगह पे, बस हम इनका सर रकबा नाप करके चिन्हित कर ले रहे हैं ये कहाँ तक आ रहे हैं। ये मालिक है, ये एक कैद किसका है? है महिला है, कौन उसके लड़के भी हैं। ए कहाँ हो गोविंद, इधर आओ। उनके उधर खड़ी है, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ चक्रोड़ निकल रहा, चक्रोड़ छोड़ो, कल तो ये बेचारा पीछे गेट वाले कैसे जाएंगे आएंगे? नहीं नहीं ठीक है, हमारा तुम्हारा पूरा होगा, तुम्हारा पूरा होगा। स्कूल चलते हैं, स्कूल में यहाँ तो एक हो गया मैं ये क्लियर इसको क्लियर करने के लिए बना नहीं सर मौके पे, और ये इनके घेरे में आ रहा है, दिख रहा है। किसके यार ब्लॉक से कोई है यार, इसको पटवा दो तुरंत। प्रधान जी, प्रधान जी नरेगा से लगा करके पटवा दो, नहीं तो कोई फायदा नहीं, तो फिर घेरेंगे, फिर तो कितने बार नापेंगे? हम बता रहे हैं ये विद्यालय बना हुआ यहाँ थोड़ी जमीन का, इनकी जमीन थी। तो जो तत्कालीन प्रधान जी थे वो कहे कि पोखरी के पास सरकारी जमीन है, आपको दे देते हैं, आप यहाँ दे दीजिए और ये बन जाएगा। विद्यालय बन गया, उन्होंने प्रोसीडिंग कर दिया। ये वो पेपर कहाँ है जो कमिश्नर साहब वाले दिखाए थे? इन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब का कुछ आदेश आ जाता है, जमीन के बदला जमीन सुरंत पोखरी जैसे था, उसी पर कहा जाएगा कि या तो पोखरा बराबर जमीन है, इनको भी रकबा नाप दो। तो बस वही हमारा सर पोखरा में नहीं मिलेगा, पोखरा आरक्षित जमीन है, श्रेणी 6 का है, उसे कतई नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा वो दूसरे जगह मिलेगा, देखते हैं। पहले सर इनका ये मौके पर आइए सर। हां सर प्रिंसिपल साहब टीचर
केवल बस एक दो तीन चार पाँच बस सात बच्चे हैं, बाकी फसल कट गया है, फसल तो कट गया, कहाँ पर से गायब हो गए? शादी में चलेंगे? लेकिन हो गया हम लोग का आज भोजन हो गया, खाना मिला है, खाना मिला है, खाना खाए आज मेनू क्या है? आज मेनू की तरफ से क्या है? मेनू क्या खिचड़ी है, चावल को चावल नहीं आ रहा है, बता रहा है को कहां से मिलता है, आपका सेक्टर कहां है? सब्जियां में है सर। क्या हम लोग गए थे वही जगह क्या सब्जियाँ जाना ही यहाँ चावल को पूरा तो है विद्यालय में देखो यार मेनू के साथ तुम्हारा भोजन नहीं बन पा रही है, एक विद्यालय में आया हो कौन सी पड़ेगा तो जिसमें आज तो आपका खिचड़ी बन रहा था, आप पता कर दो इसमें क्यों चावल ही कई समस्या क्या किस सारे ही बच्चे क्या बात है, डीलर का बुलाओ, कहाँ से नहीं आता है? तो कह रहा मिल ही नहीं रहा, वो दे नहीं रहा। डीलर को बुलाओ, कहाँ ना डीलर कहाँ है, कौन है डीलर तुम्हारा? कोई ना आ रहा था हम बताएं आपकी तुम जाना कितना है तुम बनवाना चाहिए था ना, ऐसे कोई बात नहीं, झूठ बोला तो डीलर ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा झूठ होता है। प्राइमरी कहाँ है यहाँ? प्राइमरी इसी में कहाँ है? कौन गांव में मिल गया राशन यहाँ क्यों नहीं मिलता भाई? कल बार हम लोग गए सर, यही कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? नहीं सर जी, हम कई बार कहें उनसे भी कहे थे सर जी, आपको बताइए वहाँ से नहीं आ रहा प्रधान जी, जल्दी आइए ना। शहर में रहते हो क्या प्रधान जी? लोगों भोजन तक नहीं बटवा पा रहे कौन सी प्रधान है भाई? कई तक ऐसे करना है बेची करा देते हैं मुझे कहते हैं ये आपका वो कर एबीएस है ठीक। चलिए क्या नाम है आपका?
दीपक मिडल जेल वाला वो आप सूचना दे बच्चे हैं मैडम नहीं है आपका ये कौन सी बात रहा है बच्चे हैं बेटा कुछ मिला है काले के लिए आज क्या मिला था केला केला मिला भोजन कब मिला है कितने दिन पहले भोजन मिला रोटी और दाल चावल भोजन हाँ रोटी दाल चावल कभी मिला है तो कब मिला कितने दिन पहले तीन दिन ये आपको भाई है अच्छा क्या आंगनवाड़ी में पढ़ता है छोटू कपड़ा नहीं मिला तुम्हें सब सही सर कच्चा एक मिनट हां सही हां कुछ मिला है गाने के लिए नहीं मिला सर बच्चों बताओ आज क्या खाने में बना था खिचड़ी कहाँ बनाया था अभी तो कह रहे थे गांव में तो राशन ही नहीं मिला कहाँ से खिचड़ी बनाई तुम्हारा बर्तन वर्तन तुम्हारा कहाँ बनाया था वो भी सर कहीं करती है जैसे तो हंडपा इतनी गड़ गया है बना है बाउंड्री सारी योजना जी सर दिए बाउंड्री नहीं बनाओ कुछ नहीं बाउंड्री साहब यार दो महीना से मिल नहीं रहा क्यों दो महीने से नहीं मिल रहा यार यार दो महीने नहीं मिल रहा कहाँ रिश्ते कहाँ तुम्हारा तुम्हारा घर किधर है कहाँ से बांटते हो दुकान किधर है ये सामने सामने देख के इधर साहब मकान तो वहाँ हम घर तो गाड़ी नहीं जाते हैं यहीं से बात हो हाँ साहब एक मैदान है यही दुकान साहब मकान तो वो कहाँ रखते हो यार रखते हो दुकान की बिक जाएगा तुम्हारा घर किधर है तुम्हारा घर ये सामना है घर भी देख लिया जाए घर भी देख लिया जाए इनका ऐसा सर वो गाड़ी नहीं जा पाती है ना इसको यहाँ से ले जाने में कितना हाँ ठीक है ठीक है अच्छा लावारिस लावारिस अच्छा अच्छा ये उन्हीं का है बगल वाले का है ये पूरा सिंगल कर डाला ये भी बोल लो चलो साथ यहाँ नहीं रखते हो ठीक बात है
एकदम भरी चलो बढ़िया पंखा बंद कर दो इनका घर में रखते हैं वो वैसे तो नहीं मॉडल के अंदर जो अभी तो फसल कट गया उसके बाद हम जमीन संबंधित कितने मामला सबको निस्तारण करने के लिए हमने टीम बनाया 10 मेंबर का टीम है यहाँ भी 4-5 जगह शिकायत है उसको पैमाइश करा के चक्रोड अलग कराना है पोखरा अलग कराना उसी सिलसिला में आया था आज तो विद्यालय भी हमें औचक निरीक्षण किया है तो 3 विद्यालय में जो बच्चे का संख्या बिल्कुल ना के बराबर मिला है यानी तो 20 तारीख तक विद्यालय चलना चाहिए था एवं मिड डे मील अभी तो पिछले महीने से 1 महीने से यहाँ मिड डे मील नहीं बन रहा है अभी तो संबंधित ABSA सबसे बात किया है अब मुझे सही जवाब नहीं मिला है अभी कंसर्न्ड ABSA के खिलाफ कार्रवाई करूँगा और बाकी यहाँ मिड डे मील संबंधित यहाँ तो रजिस्टर भी देखा है राशन डीलर का जो पिछले 6 महीने से मिड डे मील का उठान नहीं किए इसलिए CRO साहब को हमने जांच सौंपा है अब जो निकल के आया किस लेवल का लापरवाही है उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे देखिए जो भी माफिया है किसी संबंधित माफिया उनको ऊपर शक्ति से शक्ति हम पेश आएंगे इसको कोई डाउट नहीं अब जो भी राशन माफिया है एक तरफ से हम अब जो भी हमारा संज्ञान में आएगा उन लोगों को शक्ति से शक्ति कार्रवाई करेंगे जो हम लोग को जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन के अंदर उसके अलावा जो NSA जो भी कार्रवाई करना है उसी के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और अभी कार्रवाई शुरू है प्रारंभ है।